वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुनी चिकन टिक्का। इसके लिए आपको चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चिकन, बोनलेस चीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू, कटे हुए लहसुन, बटर, इलायची पाउडर, क्रीम, वाइट पेपर, नमक स्वाद अनुसार और दही, एक चम्मच मैंने छत्तू लिया है और रिफाइंड ऑयल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका मैरिनेट करते हैं चिकन को। अदरक लहसुन का पेस्ट कर दे दीजिए। रिफाइंड ऑयल, दो चम्मच दीजिएगा। वाइट पेपर, दो चम्मच दीजिएगा। नमक हल्का इसमें दीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हो गया मिक्स, अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तब तक कुछ देर के लिए इसको रख दीजिए। रख के फ्रीज में आप लोग आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, आधा घंटे से ज्यादा भी रखने से भी अच्छा होगा ये। इसके बाद हम लोग जब तक ये है अब इसमें चिकन को मैंने रख दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैंने दिया है इसलिए और इलायची पाउडर, एक चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आपका चीज मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे दो चीज लिए हैं, अच्छे से मेल्ट करना पड़ेगा इसको, मिक्स पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। दही, चीज और क्रीम मिक्स हो जाना चाहिए। इसमें चट्टू दे दीजिए, चिकन को भी मिक्स कर लीजिए। आधा घंटे के बाद मैंने इसमें चिकन में चट्टू मिलाया। अब इसमें जो मैंने बैटर बनाया था उसको ले लीजिए। अच्छे से इसको मिक्स हो गया। अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए फिर से, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए चिकन में। उसके बाद अब आपको दिखा रही हूँ। जब तक आपका चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं इसके लिए थोड़ा सा बटर फ्राई पैन में लेके
और बटर में जो मैंने रखा है। लहसुन पूरा चाहिए इसके लिए सॉफ्ट के लिए। देख ही रहे हैं लहसुन का कलर सुनहरा हो रहा है। बस अब गैस अब ये चिकन है जो मैंने मैरिनेट किया था उसको चिकन में मिक्स करना है। मिक्स कर लीजिए इसको। इसको मैंने और कर दिया और मैं इसी फ्राई पैन में बनाऊँगा। आप चाहे तो ऐसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, मेरे पास यही है तो मैं इसी में बना दूँगा। मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है, इसके बाद हल्का इसमें बटर लगा दूँगी। देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तब तक ये मेरा एक बार इसको पलट लीजिए। ढक कर इस तरफ पलट लीजिए इसको। देर के लिए फ्रिज को बंद कर
मैं डैप करना चाहता देखिए 5 मिनट बाद रेडी हो गया मेरा चिकन टिक्का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो देखिएगा और घर पे बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।